तो यार फाइनली जेजेके ने 248 चैप्टर को रिलीज कर दिया है और ये भाई 3 हफ्तों के बाद आ रही है। आई नो कि यार हमने काफी ज्यादा वेट किया है, यहाँ तक कि भाई मैं तो हर हफ्ते चेक करता था कि यार कब जेजेके का नया चैप्टर आने वाला है, और मुझे लगता है कि शायद तुम भी वेट करते होगे, पर फाइनली यार आज आ चुका है। तो चलो फिर देखते हैं यार उस चैप्टर को और देखते हैं कि क्या क्या नया हुआ इस चैप्टर में। चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम भाई यूजी को देख पाते हैं जो कि भाई सुकुना को मारने से फेल हो जाता है, और साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि यार हिगुरुमा का जो स्वॉर्ड था जो कि भाई उसने इटारोरी को दिया था वो भी गायब हो जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे हिगुरुमा मर चुका है। जिसके बाद यहाँ पे हम सुकुना को देखते हैं जो कि भाई कई सारे स्मैचेस इटारोरी के ऊपर मारता है जिससे कि वो कई दूर गिर जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे सुकुना उस पर कुछ स्लैशेस भी मारता है। लेकिन तब यहाँ पे सुकुना ये भी देखता है कि यार इटारोरी के स्टोमक पर जो उसने वार किया था वो उससे भाई ठीक हो चुका है, यानी कि यहाँ पे भाई यूजी इटारोरी जो है वो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर रहा है, जिसके तुरंत ही भाई यहाँ पे सुकुना दूसरी और भाई दो और कर्स यूजर को देखता है जो कि हिगुरुमा को ले जा रहे होते हैं, और हम देख पाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हुई हुई और एक और लेडी रहती है जो कि अपने कर्स टेक्निक को यूज करके भाई हिगुरुमा को यहाँ से ले जा रही होती है। और बता दो कि यार जो हुई हुई के साथ जो लेडी है उसके पास भी एक ऐसी कर्स टेक्निक है जिससे कि भाई वो किसी भी ह्यूमन या फिर कर्स को अपने से दूर या फिर अपने पास तुरंत ही लेके आ सकती है। और मैं बता दूं कि यार ये जो कर्स है ये उसकी मैग्नेटिक टाइप के कर्स है जो कि नॉर्थ पोल को जैसे अलग करती है और नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करती है, वैसे ही इसकी पावर है। और सुकुना उन दोनों कर्स यूजर को देखकर समझ जाता है कि ये दोनों ही जो है घायल पड़े बॉडीज को शोको के पास ले जा रहे हैं ताकि शोको अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से उन्हें ठीक कर दे। लेकिन यहाँ पे सुकुना क्लियरली ये बात कहता है कि जो कर्स यूजर अपने खुद के लिए RCT यूज करता है यानी कि रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, वो ज्यादा एफिशिएंसी देता है एज कम्पेयर टू अदर्स, यानी कि तुम अगर दूसरों के लिए अपने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करोगे तो उसका भाई हीलिंग इफेक्ट काफी ज्यादा कम होता है, यहाँ तक कि भाई 50%, जिस वजह से काफी कम चांसेस है कि भाई यहाँ पे हिगुरुमा बच सके। और इसी वजह से भाई हमें गोजो का शरीर भी नहीं दिखता क्योंकि भाई उई और उस लेडी ने भी गोजो के शरीर को भी शोगो के पास ले जा चुका होगा इसलिए। और इन सबको देख के तुम्हें अगर लग रहा हो कि यार शोगो का रिवर्स कर्स टेक्निक शायद ज्यादा हो इसलिए भाई सारे जो कर्स यूजर है वो जितने भी घायल पड़े हुए सॉर्सर है उनको ले जाया जा रहा है, तो मैं बता दूं कि यार यहाँ पे गोजो और सुकुना से ज्यादा पावरफुल शोगो का कर्स टेक्निक नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कर्स टेक्निक जो है वो कर्स यूजर यानी कि सॉर्सर के ऊपर डिपेंड करता है या फिर कर्स स्पिरिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है, वो जितने ज्यादा पावरफुल होंगे उनका कर्स स्प्रिट उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा, जिस वजह से यहाँ पे शोको की जो रिवर्स कर्स टेक्निक है उसकी तुलना हम सुकुना और गोजो से नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे भाई हम इटारोरी को देखते हैं जो कि भाई सुकुना से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन यहाँ पे हम सुकुना को देख पाते हैं जो कि भाई शांति से खड़ा रहता है, यहाँ तक कि भाई वो अपसेट लग रहा होता है। हम उसे देख पाते हैं वो काफी ज्यादा शांत रहता है और खुद में ही बड़बड़ा रहा होता है और सोचता है कि उसे काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा है, और उसे ऐसा इसलिए शायद लग रहा है क्योंकि भाई हिगुरुमा मारा जा चुका है। साथ ही वो यूजी की तरफ देखकर सोचता है कि ये भी बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई पहले जब सुकुना इसके अंदर था तो काफी ज्यादा भाई लोगों को मारा था, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाया था, लेकिन तब भी भाई यूजी इटारोरी के अंदर से भाई उसकी विल पावर खत्म नहीं हुई थी। और अब देखो वो इतना ज्यादा मार खाने के बाद भी या फिर इतनी ज्यादा चोटिल होने के बाद भी वापस से उससे लड़ने के लिए आ रहा है, जिस वजह से यहाँ पे वो यूजी इटारोरी की काफी तारीफ करता है। यहाँ पे भाई सुकुना यूजी के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी हमें यहाँ पे कोगाने दिखाया जाता है जो कि एक नए रूल को ऐड करता है जो कि रहता है कि यहाँ पे मेगुमी फुशिकुरो जो है उसके पास अभी अथॉरिटी आ चुकी है कि वो तेंजन और ह्यूमन को मर्ज कर सकता है, यानी कि हमें यहाँ पे सीधा सीधा रेफरेंस किया जा रहा है कि भाई मेगुमी के पास अथॉरिटी है, यानी कि ये डायरेक्टली सुकुना के पास अथॉरिटी है क्योंकि सुकुना जो है वो मेगुमी की ही बॉडी पर है। ये सब देखते हुए भाई यहाँ पे जो कुसाकाबे रहता है वो सोचता है कि सुकुना जो है वो इतना बड़ा मास डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा तेंजन और ह्यूमन को मर्ज करके, क्योंकि कुसाकाबे को लगता है कि अगर सुकुना ह्यूमंस को एक्सटेंड कर देगा तो फिर उसकी पूजा करने वाला कोई रहेगा नहीं। आई थिंक सो कि यही कुछ कहना चाहता है कुसाकाबे, और वो उसे केंजाकू से कंपेयर कर कहता है कि वो केंजाकू से बेटर है। और ये सारी चीजें भाई जब इनो सुनता है कुसाकाबे के मुंह से तो वो खुद सोचने पड़ जाता है कि यार ये बंदा कह क्या रहा है, क्या ये बंदा सटियाई है। जिसके बाद हमें यहाँ पे सुकुना की तरफ दिखाया जाता है जो कि इटारोरी से कहता है कि वो पहले यूजी इटारोरी को मारेगा, उसके बाद पूरे के पूरे कलिंगम आर्क के प्लेयर्स को मारेगा, और एट द एंड भाई वो तेंजन को ह्यूमन के साथ मर्ज कर देगा, और उसके बाद जो वो एक स्पिरिट बनेगी वो उसके साथ खेलेगा, यानी वो अपनी बोरियत को दूर करना चाहता है, उसे एक पावरफुल अपोनेंट चाहिए। और तभी हम यहाँ पे एक ऐसे बंदे को देखते हैं जिसका इंतजार भाई हम सब कर रहे थे, जो कि होता है भाई युता को, जिसके एंट्री होते ही भाई वो सुकुना पर अटैक कर देता है। यहाँ पे सुकुना भी अपने डिसमेंटल के यूज करते
उस पर अटैक करता है और साथ ही यहाँ पे सुगुना युता से कहता है, देखो बच्चे अगर तुम्हें पावर है तो तुम मुझसे अच्छे से फाइट करना, वरना अगर तुम किसी और को बचाने के चक्कर में मुझसे फाइट नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी मौत आएगी। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि युता के पीछे से रीका आती है जो कि डायरेक्टली भाई अपने हाथों से सुगुना को नीचे गिराने लग जाती है और साथ ही साथ सुगुना से कहती है कि आखिर तुमने ये किससे कहा। और इसी के साथ साथ भाई यहाँ पे चैप्टर का एंड हो जाता है। वैसे बता दो कि अरे इस हफ्ते तो चैप्टर आ गया लेकिन अगले हफ्ते ब्रेक है जिस वजह से जो अगला चैप्टर है वो अगले हफ्ते के बाद वाले हफ्ते में आएगा। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।